हाँ ये आई डी एडवांस दो हज़ार बीस का क्वेश्चन है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश की वैल्यू निकालना है तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश क्या हो रहा है तो एम एफ डैश इज एम एफ डैश के बारे में बताया गया है नंबर ऑफ डिस्टिंग रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और एम डबल डैश इक्वल टू जीरो या इक्वल टू का मतलब बताया गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ़ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू निकालना है इक्वेशन और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू इक्वेशन निकालना है इस इक्वेशन में नंबर ऑफ रियल रूट पता करना है और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो में नंबर ऑफ रियल रूट पता करना है तो सेंसियर एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन जो दिया गया है उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो एक्स के वैल्यू प्लस माइनस वन आया और गिवेन है क्या फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूस और डिफ्रेंशियबल होगा तो एफ एक्स इक्ल टू जीरो एट इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड एफ डैश एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट टू प्लस माइनस वन यहाँ से हमें मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है एफ डैस एस इक्वल टू जीरो एट एस इक्वल टू प्लस प्लस माइनस वन करने का मतलब क्या हो रहा है कि वन पे और माइनस वन पे भी टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा एफ एक्स इक्ल टू वाईक् टू एफ एक्स के कर्व है एफ एक्स तो कर्व है उस कर्व का टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है तो हमें यहाँ पर देखने से क्या मिल रहा है कि अगर रफ ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये पॉसिबिलिटी क्या है टेंजेंट माइनस वन प्लस वन पे पैरेलल टू एक्स हो रहा है कंटिन्यूस है इस हम तक ग्राफ या तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या बहुत सारे पॉइंट पे मैक्सिमम इनवा हो सकता है ये डिपेंड करता है कोफिशेंट पे ए वन ए जीरो ए टू ए थ्री ए गिवेन है तो लेकिन ये कन्फर्म हुआ है कि बाय द रोल्स फिर देखते हैं एफ जीरो और एफ माइनस वन इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश सी जीरो होता है एक पॉइंट तो श्योर sure है इसका मतलब है कि एक और टेंजेंट पैरल टू एक्सेसिस होगा मिनिमम ऐसा बहुत सारा हो सकता है लेकिन ये डिपेंड करता है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री पे लेकिन मिनिमम एक श्योर sure और होगा जहाँ पे टेंजेंट पैरल टू एक्सेसिस होगा तो इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स मिनिमम नंबर ऑफ टेंजेंट आ रहा है जो एक्स एस एस के पैरेलल है एक दो तीन आ रहा है तो एम एफ डैश एस एम एफ डैश की जो वैल्यू मिल रहा है थ्री मिल रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं क्या एक कनकेव अप से कनकेव डाउनवर्ड हो रहा है फिर कनकेव डाउन से यहाँ पे कनकेव अपवर्ड हो, हो रहा है तो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है तो एफ डैश एफ डबल डैश एक्स जीरो कहने का मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने पॉइंट पे हो रहा है मिनोल सोल्यूशन के लिए दो पॉइंट पे हो रहा है इसलिए एम एफ डबल डैश की वैल्यू जो दो मिल रहा है तो एम एफ डैश प्लस एम डबल डैश इक्वल टू फाइव मिल जाएगा